हेलो दोस्तों, आज मैंने बची हुई रोटियों को एक ट्विस्ट दिया है और बहुत अच्छा सा स्नैक तैयार किया है। तो इसकी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। लंच टाइम की कुछ रोटियां बच गई थी और उसमें कुछ वेजीज और बेसन का जो घोल होता है उसको लगा के मैंने एक नया नाश्ता बनाया है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और फटाफट से बन जाएगा। इसके लिए बेसन को घोल लें, नमक, हल्दी और मिर्चा डाल के, जैसे हम चीला के लिए घोल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसमें मैंने केवल धनिया की पत्ती डाली है, आप चाहें तो अदरक, मिर्चा और लहसुन भी पीस के डाल सकते हैं। एकदम पतली कंसिस्टेंसी है इसकी। इसके बाद हम थोड़ा सा स्प्रेड तैयार करेंगे जिसको कि हम चपाती में लगाते हैं। इसके लिए 1/4 कप टमाटो केचप लिया है मैंने और 2 से 3 बड़े चम्मच सेजवान सॉस है जिसको कि मिला लेते हैं। चिली सॉस भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसमें, और थोड़ी सी मेयोनीज है। तो आइए बनाते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें नीचे 1 चम्मच ऑयल या बटर, जो भी आपको पसंद हो वो डाल दें। इसके बाद प्याज को गोल गोल काट के हमने रखा है और प्याज की जगह हम टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो बेसन का घोल है हमारा उसको पतले से डाल देंगे। बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, पतली ही लेयर लगानी है। और फिर हम अपनी चपाती में जो हमने स्प्रेड बना के रखा था टमाटो केचप और सेजवान सॉस का, उसको अच्छे से फैला लेंगे और पलट के इसको जो सॉस वाला साइड है उसको बेसन के तरफ रख देंगे। हल्का सा ऑयल लगा लें और जब किनारे थोड़े ड्राई होने लगे तो इसको धीरे से पलट लेंगे। ये हमने प्लेन बनाया है। इसके बाद हम इसमें चीज डाल के भी बनाते हैं। एक साइड में पालक डालेंगे और एक साइड में कैप्सिकम। वेजीज आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैंने ग्रीन वेजी डाली है। और आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं या टमाटर चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो पिज्ज़ा सीजलर होता है उसको डाल दें। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम है और पलट के इसको हम बंद कर लेंगे। हमारे ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म इसको खा लें। दूसरा जो हमने बनाया है सेम प्रोसेस है, बस इसमें हमने बाद में चीज़ डाल दी है। बेसन का घोल डालेंगे पतला, रोटी में स्प्रेड लगाएंगे और रोटी को पलट के रख देंगे। पलटने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ डाल दी है, थोड़ी सी धनिया, पालक और शिमला मिर्च डाल दें, साथ में थोड़ा सा मसाला भी डाल दें और चीज़ डाल दें। पलट के इसको सेक लें, ये तैयार हो जाएगा। रोटी बहुत कड़क नहीं होनी चाहिए। और एक बाद में मैंने बगैर फोल्ड किए इसको सीधा ही रखा है और इसके ऊपर टमाटो केचप और मेयोनीज डाल दिए। इसको ऐसे ही पिज्ज़ा की तरह कट करके आप खा सकते हैं। ये नीचे से थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा और फोल्ड की हुई रोटी थोड़ी सॉफ्ट रहती है, तो दोनों ही तरह से हम बना सकते हैं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी बची हुई रोटियों की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.